चलो देखो क्वेश्चन और आगे। यश ने एक टेस्ट में कितना अंक अर्जित किया? 40 अंक अर्जित किया। और आया प्रश्न, अब यहाँ से समझना है, उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहे हैं तथा अशुद्ध अर्थात गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जा रहा है, ठीक है ना। मान लिया कि यश ने x प्रश्न सही तथा y प्रश्न गलत किया। प्रश्न से अब देखो, यहाँ पहला कंडीशन कह रहा है कि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते, 3 अंक गुना सही प्रश्न माइनस 1 गुना गलत प्रश्न, और कुल कितना आ रहा है इसका? 40। तो यहाँ पर पहले कंडीशन में 3 और सही प्रश्न को क्या माने हैं? 1 माइनस 1 वाई, तो 1 वाई को हम 1 हटा देते हैं यहाँ से, केवल वाई बराबर कितना? 40। ये इक्वेशन 1 यहाँ फिर लिखेंगे। पुनः प्रश्न, अब इसी के आधार पर इसमें कितना सही होता है? 4 अंक मिलते, नहीं 4 अंक मिलते, तो यहाँ 4 गुना सही प्रश्न, ठीक है। घटाओ 2 गुना गलत प्रश्न बराबर 50 इसको मिलता। तो यहाँ पर 4 x हो जाएगा सही प्रश्न का, माइनस 2 y बराबर 50। यहाँ उभय निष्ठ निकलने वाला, तो उभय निष्ठ निकाल लेंगे, 2 2 2 हटा देंगे, कोई जरूर नहीं है निकाल के कटाना, तो हटा दो, क्या हो जाएगा? 2x माइनस y बराबर 25। समझ में आ रहा ना सबको? यहाँ भी 2 हट गया, इधर भी सब में 2 हट गया। तो इस तरह से ये 2 इक्वेशन हम लोगों को मिला। अब इन 2 समीकरण को हल करना है। अगर समीकरण था 3x माइनस वाई बराबर 40 था ना, तो इधर कर दिया गया, ये 2x माइनस वाई बराबर 25 था, तो ये माइनस 25 बराबर 0। अब ये वज्र गुणन अध्याय में है, तो इसी विधि से हम लोग हल करेंगे। एक्स बटा माइनस वाई यहाँ रख लो, यहाँ 1 रख, तो क्या होगा? माइनस 1 गुना माइनस 25 होगा, तो बोलो माइनस, अब होगा माइनस 40 गुना माइनस 1, ठीक। अब ये मिडिल टर्म को हटाएंगे तो 3 गुना माइनस 25 होगा ना, माइनस कितना हो जाएगा? 2 गुना माइनस 40, माइनस 40 गुना 2 या वही है, ठीक है गुना, अब हो जाएगा 3 गुना माइनस 1 माइनस क्या होगा? ये माइनस 1 गुना माइनस 1 दो को बराबर कर लेंगे, एक बटा माइनस 15 बराबर 1 बटा माइनस 1, तो हो जाएगा माइनस x बराबर माइनस 15, तो x बराबर 15। जब इसको करेंगे इसके बराबर, माइनस y बटा 5 बराबर 1 बटा माइनस 1, तो हो जाएगा y बराबर 5। तो यहाँ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बोलो? कुल प्रश्न, तो कुल प्रश्न तो वही ना होगा जो सही होगा और गलत होगा, सारा प्रश्न मिलके कुल प्रश्न होगा, तो कुल प्रश्न x प्लस वाई अर्थात सही जोड़ गलत बराबर 15 प्लस 5 बराबर 20 प्रश्न,